हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेजेस फॉर्म करती है। और इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आएगी रे डायग्राम्स किस तरह से काम करती है। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, आप देख सकते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है इसकी इनवर्ड्स, और उसकी बैक साइड पे कुछ कवर लगा होता है। तो ये जो पॉलिश साइड है इससे ही रिफ्लेक्शन होगी और इससे रियल इमेजेस फॉर्म करेंगे हम लोग। और ये जो लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है ये है कन्वेक्स लेंस, आप देख सकते हैं, ये बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो इस लेंस से भी रियल इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ आप इस तरह की कन्वेक्स लेंस भी आपके घर पे होगी या आप खरीद सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कन्वेक्स लेंस ही होती है। तो मैं इससे भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। तो ये सिंपल सा सेटअप आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक कैंडल यूज किया है और इसकी जो फ्लेम की जो इमेज है वो मैं इस बोर्ड पे फॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट, लाइट्स ऑफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस से। इस लेंस से किस तरह से फॉर्म होगी, जो ऑब्जेक्ट है इसके एक तरफ होगी और जो इमेज है रियल इमेज है उसके दूसरे तरफ फॉर्म होती है। तो इससे करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसको फोकस कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी अगर हाथ को मैं स्टेडी रखूं और जो इसकी फ्लेम है वो भी स्टेडी रहे, तो एक बिल्कुल परफेक्ट एंड क्लियर इमेज मैं फॉर्म कर रहा हूं। तो ये एक रियल इमेज है जो कि मैं स्क्रीन पे फॉर्म कर सक रहा हूं, और ये इन्वर्टेड होती है। आप देख सकते हैं जो फ्लेम है वो अपराइट है, लेकिन जो इसका इमेज फॉर्म होती है वो डाउनवर्ड्स होती है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड। ओके, तो अब बड़े वाले मैग्नीफाइंग ग्लास से ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इससे और भी क्लियर और भी बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये इमेज रियल इमेज फॉर्म करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, आप घर पर भी करके देख सकते हैं अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो। लेट्स ट्राई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए आपको जो ऑब्जेक्ट होती है वो मिरर के सामने रखनी होती है। तो इस सेटअप को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, फिर आपको दिखाता हूं। तो मैंने इस सेटअप को थोड़ा सा इस तरफ मूव कर दिया क्योंकि ये बोर्ड पे शाइन हो रहा था, इसीलिए मैं अब कैंडल को बीच में रखूंगा और इसकी जो फ्लेम है उसको इस मिरर के आगे रखूंगा, जिससे कि इस पे रिफ्लेक्ट होके वो इमेज वहां पे बनेगी। तो देखते हैं, लाइट्स ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि इमेज तो फॉर्म हो रही है, लेकिन मेरी जो मिरर है कॉनकेव मिरर बहुत ही छोटी है साइज में और इसकी फोकल लेंथ बहुत ही दूर है, इसीलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है बहुत ही छोटी सी फॉर्म हो रही है। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है क्योंकि ये स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, वॉल पे फॉर्म हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा पड़ी और मैं मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाता ये। तो थोड़ा बहुत लाइट इसको चाहिए है, तो मैं इसका फ्लैश जला के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रियल और इन्वर्टेड किस तरह से फॉर्म हो रही है। फ्लेम की जो इमेज है वो वॉल पे फॉर्म हो रही है। अब देखते हैं कि कैसे इस कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म कर सकते हैं दिन के समय में। उस फ्लैग और इस सीनरी को मैं इस वॉल पे फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत ही ब्राइट हैं, इसलिए शेडो जैसे ही फॉर्म हो रही है। ये कलर्स आपको समझ में नहीं आ रही होंगी,
तो इसमें भी आप क्लियरली देखेंगे कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। रियल क्योंकि ये इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है, और इन्वर्टेड आपको समझ में ही आ रहा होगा कि उल्टी फॉर्म हुई है। तो मैं जो बाहर से जो आने वाली लाइट है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस वॉल पे मैं फॉर्म करा रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं कन्वेक्स लेंस की मदद से मैं इस सीनरी को फॉर्म करूँगा एक स्क्रीन पे। ये है मेरी स्क्रीन, इस पे मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इमेज फॉर्म करके दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं जो फ्लैग है और जो प्लांट्स है उसकी कलर भी समझ में आ रही है। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता लग गया होगा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज किस तरह की होती है और किस किस मिरर और लेंस से हम ये फॉर्म कर सकते हैं। तो कन्वेक्स लेंस की मदद से हम लोग रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं, और कनकेव मिरर की हेल्प से भी हम रियल इमेज फॉर्म कर सकते हैं, और उसकी साइजेस वेरी होती है। और जो रे डायग्राम्स होती हैं वो दोनों की मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई हैं, आप उनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आती है। तो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको ये बताया, तो होप यू लाइक इट। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे के बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि नए नए वीडियोस का आपके नोटिफिकेशंस पे दिखाई दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।